हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आप सभी को बीजी व्यंजकों का क्या बताया जाएगा, गुणा बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एकपदी बीजी व्यंजक का गुणा, फिर बहुपदी बीजी व्यंजक का गुणा। इस तरह से हम एक एक करके सीखेंगे। कुल 10-12 प्रश्न है, इतना अगर आप सीख लोगे तो बीजी व्यंजकों का गुणा करना आप आराम से सीख जाओगे। तो पहला प्रश्न है, देखिए 2x² को 6y से गुणा कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पर देखो 2x² लिखा है, इसे आप इस तरह से 2x² लिखेंगे। को का जगह पर हम लोग क्या गुणे का चिन्ह बनाएंगे, क्योंकि बोला है गुणा कीजिए किससे, 6xy से। तो यहाँ पर हम क्या 6xy इस तरह से लिख लेंगे। अब अगले स्टेप में क्या करना पड़ेगा जानते हो, जैसे देखो 2x² लिखा है, तो 2 और x के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं, तो गुणे का चिन्ह माना जाएगा। फिर यहाँ पर देखो गुणे का चिन्ह है, उसी तरह से 6xy लिखा है, तो 6 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो गुणे का चिन्ह माना जाएगा। xy के बीच में भी कोई चिन्ह नहीं, तो गुणे का चिन्ह माना जाएगा। इसका कहने का मतलब सभी क्या है, आपस में गुणे में है। तो हम इनको इस तरह से लिखेंगे, 2 * क्या लिखेंगे, x² फिर इसके बाद * 6 है तो 6 लिखेंगे, * इसी चीज को हम x * क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। बातें समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो संख्याएं हैं जैसे 2 हो गया 6 हो गया, इनको साथ में लिखेंगे। 2 * कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। इसके बाद * हम लोग क्या लिखेंगे, x² लिखेंगे। इसके बाद x और बच रहा है, तो * हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब यहाँ पर लास्ट में सिर्फ y बच रहा है, तो * हम y लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, यही आपका उत्तर होगा। 2 का गुणा 6 में करोगे, 2 * 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x² * x करोगे तो कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा। कैसे, जब से देखो इसका पावर कुछ भी नहीं, तो एक समझा जाता है, क्या होता है, एक समझा जाता है। क्यों, अभी देखो आधार अगर समान होता है, जैसे x ये भी है x ये भी है, तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान था तो हमने x लिखा, और 2 * 1 कितना हो गया, 3 हो गया। y बच रहा है, तो y को हम इस तरह से लिख लेंगे, 12x³, y इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो पहला सवाल सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल करते हैं, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान देना। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है कि 7x * 3y * 2z का क्या करिए, गुणा कीजिए। तो गुणा करना काफी इजी है, हम क्या करेंगे, इसको उसी तरह से तोड़ के लिखेंगे, 7 * x लिखेंगे, * क्या लिखेंगे, 3 * 3 * क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। इसके बाद * हमारा कितना हो जाएगा, 2 * कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। अब हम संख्याओं को एक साथ लिख लेंगे, जैसे 7 * कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 बच रहा है, तो * हम इस तरह से 2 लिखेंगे। अब हमारा x * y * z बच रहा है, तो हम * लिखेंगे, x * y * z लिखेंगे। अब इनको सॉल्व करो, 7 का गुणा हम 2 में करेंगे, या 3 का गुणा 2 में कर लो, 3 * 2 = 6, 6 का गुणा 7 में कर लो, 6 * 7 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब x * y * z बच रहा है, तो 42xyz इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा सेम इसी तरह से करना, ये इस प्रश्न का क्या है, उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, 4x² * क्या लिखा है, -2y * -3y लिखा हुआ है ब्रैकेट में। इसे सॉल्व करेंगे कैसे, हम लिखेंगे 4 * कितना, x² * कितना लिखेंगे, -2 * कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। इसके बाद -3 * y है, तो -3 यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद -3 * y है, तो * हम इसे y लिख लेंगे, क्योंकि मैं बताया था जैसे 4 और x के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह माना जाता है। -2 और y लिखा हुआ है, तो इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं, तो गुणे का चिन्ह माना जाता है। -3 y लिखा है, तो इसके बीच में गुणे का चिन्ह रहता है। बातें समझ में आ गई कि नहीं। अब हम इसे आराम से लिख लेंगे, जैसे 4 है तो 4 लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, ये जो -3 है, * लिखेंगे, -3। अब बच रहा है x² तो * क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब और x है कहीं पे, और कहीं पे भी x है, जैसे ये x² हो गया, और कहीं पे भी x नहीं है। अब बच रहा है * y, तो * हम y लिखेंगे। फिर यहाँ पर y बच रहा है, तो * हम क्या लिख लेंगे, y लिख लेंगे। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा, 4 * 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और वो 8 क्या रहेगा, माइनस पर रहेगा, तो -8 * फिर हम -3 करेंगे, तो -minus + हो जाएगा, 8 * 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसके बाद देखो x² है, तो x का पावर हम लोग इस तरह से 2 लिखेंगे।
अब y इंटू वाई का पावर 2 है तो y का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाए सेम इसी तरह से करना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है कि -4x पावर 2 इंटू -3ay इंटू -2/3 bx लिखा है। तो -4 है तो इसे हम लोग -4 इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद ये -3 इसको लिख लेंगे। डायरेक्ट अगर लगाना चाहो तो इस तरह से भी लगा सकते हो। इसके बाद -3 इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन स्टेप वाइज करो जिससे गलतियां ना होंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। इससे नंबर भी आपका कट सकता है, पर इस तरीके से भी कर सकते हो। इसके बाद इंटू क्या है, -2/3 है तो -2 हम लोग 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर यक्स का पावर 2 है तो इंटू क्या हो जाएगा, यक्स का पावर 2। और कहीं पर भी यक्स है, यहाँ पर देखो यक्स है, जैसे बी इंटू यक्स था तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे यक्स लिख लेंगे। अब देखो ए बच रहा है या वाई, तो ए हम लिखेंगे इंटू ए इस तरह से लिख लेंगे। और कहीं पर ए है, नहीं है। इसके बाद देखो हमारा कितना है, वाई आ रहा है तो इंटू हम इस तरह से वाई लिख लेंगे। अब वाई और कहाँ कहाँ पे है, वाई कहीं पे भी नहीं है। अब हमारा बच रहा है सिर्फ बी बच रहा है तो इंटू हम इस तरह से बी लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 से हमारा क्या हो जाएगा, 3 एक बार में कट जाएगा। तो हम इनका गुणा करेंगे, माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 4 का गुणा 1 में करोगे, 4 1 के 4 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये -2 है। तो 4 1 के 4 हुआ था, 4 का गुणा 2 में कर लोगे, 4 2 8। अब चलिए मैं इसी चीज को स्टेप बाय स्टेप कराता हूँ, नहीं तो गलती हो जाएगा। -4 का गुणा आप -1 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 4 1 के कितना होगा, 4 होगा। इसके बाद इंटू आपका कितना बच रहा है, -2 है तो -2 इस तरह से लिख लो ब्रैकेट में। अब आप क्या काम करोगे, यक्स का पावर 2 इंटू यक्स करोगे तो कितना हो जाएगा, यक्स का पावर 3 हो जाएगा। उसी तरह से ए इंटू वाई इंटू बी है तो यहाँ पर इसे वाई को आप पहले लिख लो, क्योंकि इस तरह से क्रमवाइज हो जाएगा। यक्स का पावर 3 इंटू ए इंटू बी बच रहा है तो इंटू ए इंटू बी इस तरह से लिखना है। बातें समझ आई, यानी यक्स का पावर 3 वाई ए बी लिखा है तो इसका मतलब है कि बीच में गुणे का चिन्ह है। अब हम क्या करेंगे, 4 का गुणा -2 में करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स का पावर 3 फिर वाई ए बी हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछे सेम इसी तरह से करना। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, -3/8 इंटू यक्स का पावर 4 वाई इंटू जेड इंटू -16 YZ का पावर कितना है, 2 है। चलिए इस सवाल को लगाते हैं। ये सवाल कैसे लगेगा, -3/8 है तो हम इसे -3/8 लिखेंगे। इसके बाद हमारा क्या है, इंटू यक्स का पावर कितना, 4 है, इंटू वाई इंटू कितना है, जेड है। इंटू इसके बाद -16 YZ का पावर 2 है, इंटू माइनस कितना लिखेंगे, माइनस कितना लिखेंगे, 16 लिखेंगे। इंटू क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, इंटू हम जेड का पावर 2 लिखेंगे। अब इसे हम क्रमवाइज लिखेंगे, -3/8 लिखेंगे ब्रैकेट में। इसके बाद -16 है तो इंटू हम लोग -16 इस तरह से लिख लेंगे। अब हमारा इंटू यक्स का पावर 4 बच रहा है तो इंटू यक्स का पावर 4 लिखेंगे। और कहीं पे भी यक्स है तो, और कहीं पे भी यक्स नहीं दिख रहा है, इसी चीज को ध्यान से थोड़ा खोजना। इसके बाद इंटू वाई है तो इंटू हम यहाँ पर वाई लिखेंगे। और कहीं पे वाई है, यहाँ पर है, तो इंटू हम क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। अब हमारा जेड बच रहा है तो इंटू हम जेड लिखेंगे, फिर इंटू जेड का पावर 2 लिखेंगे। अब सवाल को लगा लो, 8 1 8, 8 2 9 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो -3 इंटू 2 करोगे तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 3 का गुणा 2 में करो, 3 2 9 6 हो जाएगा। अब यक्स का पावर 4 है तो यक्स का पावर 4 इस तरह से कर लो। वाई इंटू वाई करोगे तो वाई का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जेड इंटू जेड करोगे तो जेड का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए सेम इसी तरीके से किया जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यक्स के पावर 2 इंटू 7x पावर 5 इंटू 1/7 यक्स के पावर 3 इंटू -6x, यदि यक्स बराबर 1 हो तो ऐसे प्रश्न कैसे लगेंगे। अब ये जो इससे कह रहा है कि यदि यक्स बराबर 1 हो तो हम आराम से लगाएंगे। जैसे देखो जहां जहां पर यक्स है उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर यक्स है तो इसकी जगह पर 1 लिखेंगे, यक्स का पावर 2 है तो 1 का पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 इंटू यक्स पावर 5 है तो इंटू हम 7 लिखेंगे, इंटू यक्स की जहाँ पर हम 1 लिखेंगे, 1 यक्स का पावर 5 है तो 1 का पावर 5 हो जाएगा। इंटू 1 बाई क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, इंटू यक्स का पावर 3 है तो यानी 1 का पावर 3 हो जाएगा।
इनटू यहां पर माइनस सिक्स है तो माइनस सिक्स लिखेंगे। अब यक्स है तो यक्स की जहां पर हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। अब सवाल को लगा लो, जैसे देखो सात से क्या हो जाएगा, सात कट जाएगा। अब एक का पावर टू का मतलब कितना होगा, एक ही होगा। इंटू वन का पावर फाइव का मतलब एक ही होगा। इंटू वन का पावर थ्री का मतलब एक ही होगा। इंटू माइनस छह है तो इसे हम इंटू माइनस सिक्स लिखेंगे। अब इंटू वन है तो इंटू वन करेंगे। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, एक का गुणा एक में करोगे एक आएगा, फिर एक का गुणा एक में करोगे एक आएगा, फिर एक का गुणा एक में करोगे एक आएगा। तो एक का गुणा अगर आप माइनस छह के साथ करोगे तो माइनस छह एक के छह हो जाएगा। इसका उत्तर क्या आएगा, माइनस सिक्स। ये इस प्रश्न का क्या होगा, शानदार उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, एक पदी व्यंजक का क्या करना है, बहुपदी व्यंजक से गुणा कराना है। हम चलिए गुणा करा लेते हैं। फाइव एक्स वाई है तो हम इस तरह से फाइव एक्स वाई लिखेंगे। अब गुणा कराना है किसके साथ, थ्री एक्स का पावर टू प्लस क्या कराना है, एक्स वाई के साथ। जब भी ऐसा प्रश्न है जिसके साथ गुणा कराना रहेगा उसको हम क्या ब्रैकेट में करेंगे, यानी बहुपदी वाले को ब्रैकेट में कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फाइव एक्स वाई का गुणा एक बार थ्री एक्स पावर टू के साथ करेंगे, एक बार फाइव एक्स वाई का गुणा एक्स वाई के साथ करेंगे। बातें समझ में आ गई। तो फाइव एक्स वाई का गुणा अगर आप थ्री एक्स के पावर टू के साथ करोगे तो उत्तर क्या आएगा, पांच तिहाई कितना हो जाएगा, पंद्रह हो जाएगा। एक्स का पावर टू का गुणा एक्स पावर एक्स का गुणा एक्स पावर टू के साथ होगा तो एक्स का पावर थ्री हो जाएगा। इसमें वाई है, इसमें वाई नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ वाई लिख लेना, प्लस का चिन्ह बनाओ। अब हम फाइव एक्स वाई का गुणा एक्स वाई के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर कुछ भी संख्या नहीं है तो आप एक समझ लेना, पांच का गुणा एक के साथ होगा पांच होगा। यक्स इंटू यक्स होगा तो यक्स का पावर कितना होगा, टू होगा। वाई इंटू वाई करोगे तो वाई का पावर टू होगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा, शानदार सा उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, प्रश्न आराम से सॉल्व हो जाएगा। प्रश्न देखिए, यक्स ब्रैकेट में वाई माइनस जेड प्लस वाई ब्रैकेट में जेड माइनस एक्स प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई है। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, ब्रैकेट को इसमें दूर किया जाता है। जैसे देखो यक्स का गुणा एक बार वाई के साथ करेंगे, एक बार जेड के साथ करेंगे। यक्स का गुणा अब अगर आप वाई के साथ करोगे तो इसे आप यक्स वाई लिख लेना। यक्स का गुणा माइनस जेड के साथ करोगे तो इसे यक्स जेड लिख सकते हो, या इसी चीज को आप, या जैसे यक्स का गुणा वाई के साथ कर रहे हो तो वाई यक्स भी लिख सकते हो, यक्स का गुणा जेड के साथ कर रहे हो तो जेड यक्स भी लिख सकते हो, प्लस वाई का गुणा जेड के साथ कर रहे हैं तो वाई जेड लिख लेंगे, वाई का गुणा यक्स के साथ करेंगे तो वाई यक्स लिख लेंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, प्लस जेड का गुणा यक्स के साथ करें तो जेड यक्स लिखेंगे, जेड का गुणा वाई के साथ करें तो जेड वाई लिख लेंगे। अब यहाँ पर जरा एक चीज ध्यान देना, जैसे देखो एक चीज मैं बताता हूँ ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या है, यक्स वाई है, और कहीं पे भी यक्स वाई आपको दिख रहा है, और कहीं पे भी यक्स वाई आपको दिख रहा है, जिसमें वाई हो या यक्स हो या यक्स वाई हो, यहाँ पर देखो यक्स वाई हो गया, यहाँ पर क्या है, वाई यक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वाई यक्स लिखा हुआ है, और कहीं पर भी यक्स वाई या वाई यक्स लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, जैसे ये यक्स वाई है तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे यक्स वाई लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है, माइनस वाई यक्स है, माइनस वाई यक्स है, इसी चीज को आप, जो माइनस वाई यक्स लिखा हुआ है इसी चीज को आप माइनस एक्स वाई भी लिख सकते हो। बातें समझ में आएगी कि नहीं। जैसे आपने वाई का गुणा जेड के साथ किया तो वाई जेड लिखा, चाहे तो आप वाई का गुणा जब जेड के साथ कर रहे थे तो जेड वाई भी लिख सकते थे, वाई का गुणा आप जब यक्स के साथ कर रहे थे तो यक्स वाई भी लिख सकते थे। बातें समझ में आएगी नहीं। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्या है, आगे हमारा माइनस एक्स जेड है तो माइनस हम यक्स जेड लिखते हैं। अब यहाँ पर यक्स जेड हो चुका, और आप कहीं पर और यक्स जेड है या जेड एक्स, तो यहाँ पर देखो प्लस जेड यक्स लिखा हुआ है, तो इसी चीज को हम प्लस क्या लिखेंगे, जैसे ये यक्स जेड है तो जेड एक्स को हम क्या लिख लेंगे, यक्स जेड लिख सकते हैं। चलिए इन दोनों का भी काम हो गया, और हमारा क्या बच रहा है, प्लस वाई जेड बच रहा है, तो हम यहाँ पर प्लस क्या लिखेंगे, वाई जेड लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस वाई जेड बच रहा है या जेड वाई लिखा है तो इसे हम माइनस वाई जेड लिख लेंगे। और देखो प्लस वाई है, माइनस एक्स वाई है, खत्म हो गया। माइनस एक्स जेड है, प्लस एक्स जेड है, ये भी खत्म हो गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। प्लस वाई जेड है, माइनस वाई जेड है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, खत्म होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, शून्य होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा सेम इसी तरह से करिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यक्स का गुणा हम एक के साथ करेंगे, सेम उसी तरह से प्रश्न है। तो जब आप यक्स का गुणा एक के साथ करोगे तो वन यक्स हो जाएगा,
एक्स का गुणा प्लस एक्स पावर टू के साथ करोगे तो एक्स का पावर थ्री हो जाएगा, माइनस एक्स पावर टू गुणा एक्स के साथ करोगे तो एक्स का पावर कितना थ्री हो जाएगा, माइनस एक्स पावर टू गुणा माइनस के वन के साथ करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वन एक्स का पावर टू रहेगा। अब यहाँ पर माइनस का गुणा एक्स के साथ करोगे तो माइनस एक्स रहेगा, माइनस का गुणा प्लस के साथ करोगे तो माइनस एक्स का पावर टू रहेगा। बातें समझ में आएगी नहीं? चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे, वन एक्स है और कहीं पर भी एक्स है, तो जैसे देखो ये वन एक्स है, ये सिंगल एक्स है, तो इसके सामने कुछ भी नहीं था, आप एक लिख सकते हो, इनको पास में लिखो वन एक्स लिखो, अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस एक्स का पावर थ्री है, ये माइनस एक्स पावर थ्री है, तो इसे लिख लो प्लस एक्स का पावर थ्री माइनस एक्स का पावर थ्री। अब यहाँ पर देखो माइनस वन एक्स पावर टू है तो माइनस वन एक्स का पावर टू लिखो, अब यहाँ पर एक्स के सामने कुछ भी नहीं था, आप एक लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस वन एक्स का पावर कितना था टू था, तो यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं ना हो रहा है, यहाँ पर भी लिख लेंगे हम माइनस वन एक्स पावर टू। अब जरा चेक करते हैं कहीं पे गलती तो नहीं हुआ है, जैसे देखो ये माइनस एक्स का पावर टू था, हमने एक्स के साथ गुणा किया तो कितना आया एक्स का पावर थ्री हो गया माइनस में, और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए, यही गलती हो रहा था, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, एक्स पावर टू गुणा एक्स के साथ किया तो एक्स पावर टू रहेगा। बातें समझ में आएगी कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, इसी चीज को हम क्या यहाँ पर आप प्लस लिख देंगे, प्लस वन एक्स पावर टू, ये क्या है माइनस वन एक्स पावर टू है। अब सवाल आपका बिल्कुल सही है, अब यहाँ पर देखो वन एक्स और माइनस वन एक्स खत्म हो जाएगा क्योंकि सेम चीज है, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो एक्स पावर थ्री माइनस एक्स पावर थ्री खत्म हो जाएगा, प्लस वन एक्स पावर टू माइनस वन एक्स पावर टू खत्म हो जाएगा। इस प्रश्न का भी उत्तर कितना आएगा, शून्य आएगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है सेम इसी तरह से किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, अगला प्रश्न है कि बोल रहा है कि बाल दिवस में क्या हो रहा है, बाल दिवस मनाया जा रहा है, बाल दिवस के अवसर पर यक्ष प्लस फाइव विद्यालयों के बच्चों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। यक्ष प्लस फाइव विद्यालय, कुछ भी विद्यालय जैसे तीन विद्यालय, चार विद्यालय, पांच विद्यालय, पांच विद्यालयों के बच्चों ने क्या किया, वृक्षारोपण किया। अब प्रत्येक विद्यालय के बच्चों ने कितना, मान लो दो दो पेड़ लगाया, तो मान लो कुल पांच विद्यालय थे, अब पांचवें विद्यालय में से प्रत्येक विद्यालय के बच्चों ने दो दो वृक्ष लगाए, तो पांच गुणे दो करोगे पांच दुना कितना आएगा 10, यानी 10 वृक्ष पूरे पांच विद्यालय के बच्चों ने लगाया हुआ है। तो जब भी प्रश्न ऐसा रहेगा तो इसी तरह से समझना पड़ेगा, इसका मतलब हमें क्या करना है, गुणा करना है। कैसे गुणा हुआ आप जरा ध्यान दो, हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्स प्लस फाइव है तो एक्स प्लस फाइव इस तरह से लिखेंगे, अब इसी का हम क्या करेंगे गुणा कराएंगे किसके साथ, एक्स पावर टू, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेना एक्स पावर टू माइनस फाइव एक्स प्लस लिख लेना 25 लिख लेना। अब एक्स का गुणा एक बार हम एक्स पावर टू के साथ करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा एक्स पावर थ्री आ जाएगा, एक्स का गुणा माइनस फाइव एक्स के साथ करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा फाइव एक्स पावर टू हो जाएगा, एक्स का गुणा 25 के साथ करोगे तो कितना जाएगा 25 एक्स हो जाएगा, अब पांच का गुणा एक्स के साथ करोगे तो फाइव एक्स का पावर टू हो जाएगा, पांच का गुणा माइनस फाइव एक्स के साथ करोगे पांच पच्चीस 25 एक्स हो जाएगा, अब पांच का गुणा 25 के साथ करोगे 25 पंचे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक्स पावर थ्री है तो एक्स पावर थ्री रहने दो, माइनस फाइव एक्स पावर टू और प्लस फाइव एक्स पावर टू क्या हो जाएगा, ये माइनस फाइव एक्स पावर टू जो है और प्लस फाइव एक्स पावर टू खत्म हो जाएगा, और ये प्लस 25 एक्स है ये माइनस 25 एक्स है ये भी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा प्लस 125 प्लस 125 इस तरह से लिख लेना, यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो जो बोला था कि बच्चों द्वारा कितने वृक्ष लगाए गए तो एक्स पावर थ्री प्लस 125 वृक्ष लगाए गए, अब ये पता नहीं चल रहा है कि पांच वृक्ष लगाए कि 10 वृक्ष लगाए, इसी रूप में इसका आंसर छोड़ा जाएगा। अब अगला प्रश्न करते हैं, अगला प्रश्न है बहुपदी व्यंजकों का गुणा, बस दो प्रश्न और है, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस फाइव है। अब हम क्या करेंगे एक बार एक्स का गुणा एक्स के साथ करेंगे फिर फाइव के साथ, उसी तरह से एक बार दो का गुणा एक्स के साथ करेंगे फिर फाइव के साथ, एक्स का गुणा एक्स के साथ करोगे तो एक्स का पावर कितना टू हो जाएगा, एक्स का गुणा प्लस फाइव के साथ करोगे कितना हो जाएगा फाइव एक्स हो जाएगा, दो का गुणा एक्स के साथ करोगे प्लस कितना होगा टू एक्स होगा, दो का गुणा पांच के साथ करोगे दो पंचे कितना 10 होगा। उसी तरह से हम क्या कर लिए एक्स का गुणा कर लिए दो का गुणा कर लिए, अब देखो कोई चीज कटने पिटने लायक है, एक्स के पावर टू है तो एक्स पावर टू, फाइव एक्स प्लस टू एक्स कितना हो जाएगा पांच दो कितना हो जाएगा सेवन एक्स हो जाएगा, इसके बाद प्लस 10 है तो प्लस 10 लिख लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, अगला प्रश्न हमारा है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, यहाँ पर हम क्या करेंगे टू एक्स पावर टू है प्लस थ्री एक्स है माइनस सेवन,
एक बार 2x/2 को गुणा 5x के साथ करेंगे, फिर 4 के साथ करेंगे, तो 2x/2 को गुणा 5x के साथ 5 दुना कितना हो जाएगा, 10x/2 हो जाएगा। 2x/2 गुणा 4 के साथ करोगे, 4 दुना कितना हो जाएगा, 8x/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज गलती हो रहा है, जब हमने 2x/2 को गुणा 5x के साथ करा, 2 पंचे कितना हुआ, 10 हुआ। x/2 को गुणा x के साथ करोगे तो x/ क्या है यहाँ पर, 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। हम 2x/2 गुणा 4 के साथ करा लिए, अब 3x को गुणा 5x के साथ करेंगे, 5 कितना हो जाएगा, 15x/2 हो जाएगा। 3 का गुणा हम 4 के साथ करेंगे, प्लस 3x का गुणा 4 के साथ करेंगे, 4 कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। उसी तरह से -7 का गुणा हम +5 के साथ करेंगे, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर 7 पचे कितना हो जाएगा, 35x हो जाएगा। अब -7 का गुणा +4 के साथ करेंगे, तो माइनस कितना हो जाएगा, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। सवाल को लगा लेते हैं, 10x/3 तो 10x/3 लिखेंगे। अब यहाँ पर +8x/2 है और +15x/2 है, ये दोनों कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13, यानी 23x/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 23x/2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 12x है, -35x है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 35 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 3 में से 1 गया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -23x हो जाएगा। अब यहाँ पर -28 है तो -28 लिख लेंगे, ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, इसी तरह से आप इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।